नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनुनाकी के बारे में, जो थे परग्रही और कुछ के हिसाब से वो थे भगवान, जिनकी वजह से इंसान कर पाए इवॉल्व और इंसानों को मिला डीएनए। अनुनाकी को कुछ विशेषज्ञ एलियंस मानते हैं और कुछ भगवान। बोला जाता है कि ये एल्डेबारन सौर मंडल से आए थे, जो टॉरस नक्षत्र में मौजूद है। अनुनाकी लंबे नस्ल के प्रजाति थे, जिनका स्किन व्हाइट और लंबे सुनहरे बाल होते थे। ये सनलाइट से अपने स्किन और आंखों को बचाते थे, क्योंकि सनलाइट इनके बॉडी पार्ट्स को नुकसान करते थे। शुरुआत में तो वो बुद्धिमान और शांतिपूर्ण लग रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने वास्तविक इरादे और योजनाएं दिखाई। वे बंदरों को एक नए नस्ल में विकसित करना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने हमारे सीमियन पूर्वजों में से 10,000 या शायद 20,000 को पकड़ लिया और वे कुछ सौ वर्षों के लिए ग्रह छोड़कर चले गए। फिर जब वे लौटे तो वे हमारे पूर्वजों को वापस लाकर छोड़ गए। फिर अनुनाकी कुछ हजार वर्षों तक पृथ्वी को छोड़कर चले गए। जिन पूर्वजों को उन्होंने वापस लाया था उनमें इंसानी बुद्धि आ चुकी थी। अनुनाकी 23,000 वर्षों के भीतर 7 बार पृथ्वी पर लौटे और हमारी तरह के कुछ लोगों की विकास की गति को तेज कर दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार हम पृथ्वी पर पहली मानव सभ्यता नहीं है। अनुनाकी जेनेटिकली एडवांस ह्यूमन ब्रीड के साथ रहते थे, पर वे उनसे कांटेक्ट नहीं रखते थे, क्योंकि अनुनाकी को लगता था कि एडवांस ह्यूमन ब्रीड एविल बींग्स हैं और वे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वेल, कुछ सेंचुरीज के बाद अनुनाकी ने पहली रचना यानी उन एडवांस ह्यूमन जिनको अनुनाकी ने एप से इंसानों में कन्वर्ट किया था, उन्हें विलुप्त करने का निर्णय लिया, क्योंकि अब वो दूसरे ह्यूमन स्पीसीज जो पहले वाले से और बेहतर थे उन्हें अस्तित्व में लाना चाहते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार सच तो यह है कि हमारी आधुनिक मानव सभ्यता इस ग्रह पर पहली नहीं बल्कि 7वीं मानव सभ्यता है। हमारी सभ्यता से पहले 6 और मानव सभ्यता आकर विलुप्त हो चुके हैं। पहली मानव सभ्यता का तो कोई प्रूफ है नहीं पृथ्वी पर, जैसे पुराने स्ट्रक्चर या कोई पौराणिक वस्तु। ऐसा कोई प्रूफ अभी तक पहली मानव सभ्यता का नहीं मिला है, पर ऐसा कहा जाता है कि जो 5वीं मानव सभ्यता थी उन्होंने ही कुछ हजार साल पहले इजिप्शियन पिरामिड तैयार किया था, और जो 6वीं मानव सभ्यता थी उन्होंने उन बड़े आधुनिक शहरों का निर्माण किया था जो हमारे समुद्र की गहराइयों में आज भी मिलते हैं। कहा जाता है कि अनुनाकी और उनके समूह के बीच एक बहुत बड़ा लंबा युद्ध चला था, क्योंकि अनुनाकी प्रजाति में कुछ का मानना था कि पृथ्वी पर बार बार ह्यूमन स्पीसीज का निर्माण करना वास्तविक अर्थ नहीं है। इस युद्ध में आखिरी लड़ाई लगभग 5,000 साल पहले ऑर्बिट और सरफेस पर लड़ी गई थी। अनुनाकी ने अपने अंडरग्राउंड सिटीज को नष्ट करने के लिए सोनिक वेपन्स का यूज किया। जब हमारे ह्यूमन स्पीसीज ने उनकी लड़ाइयों को देखा तो हमारी स्पीसीज के मनुष्य बहुत भयभीत हो गए, और हमारे पूर्वजों ने इसे रिलीजियस मिथ्स यानी धार्मिक मिथकों के रूप में लिख दिया। 6वीं और 7वीं मानव सभ्यता के लिए अनुनाकी देवता समान थे। उन्होंने 6वीं और 7वीं मानव प्रजाति को यह बताया कि यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच हो रही है, जिसमें से जो अनुनाकी इंसानों का साथ दे रहे हैं वो अच्छाई हैं और जो उनके खिलाफ है वो बुराई है, या कह सकते जो उनके साथ दे रहे हैं वो देवता ही हैं। रहस्य की बात तो यह है कि आज तक किसी को यह नहीं पता चल पाया कि उस समय क्या हुआ था। अनुनाकी युद्ध के तुरंत बाद कहाँ गायब हो गए। वे अपने स्पेसशिप के साथ बिना किसी निशान के कहाँ गायब हो गए। इतिहास ने हमें बहुत बार बतलाया है कि हमारे पूर्वज परग्रही से मिल चुके हैं। अनुनाकी के कई समान चित्रण दुनिया भर में मौजूद हैं, यह कोई संयोग नहीं है, जबकि इस तथ्य के साथ कि पिरामिड्स दुनिया भर में एक समय पर बनाए गए थे और वे उन स्थानों के रूप में जाने जाते हैं जहां भगवान आए थे। जब आप इस बात पर गौर करेंगे कि मिस्र में दफनाई गई ममियों में अन्य दवाओं के साथ साथ कोकीन और डीएमएल भी था, तो हमें पता चलता है कि उस समय एक विश्व व्यापार बाजार भी था। जैसा कि कहानियां हमें बताते हैं कि कुछ अनुनाकी मनुष्य के साथ घुल मिल गए। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अनुनाकी वास्तविक प्राणी रहे होंगे। एक पॉपुलर थ्योरी भी है जिसके अनुसार अनुनाकी एक रहस्यमय ग्रह से आए थे, जिसका नाम प्लैनेट एक्स रखा गया है। वैज्ञानिकों के थ्योरी के मुताबिक यह ग्रह आज भी हमारे सौर मंडल में मौजूद है, जो सौर मंडल के डार्क रीजन में मौजूद है।
कुछ बिलीवर्स का कहना है कि अनुनाकी गोल्ड के तलाश में पृथ्वी पर आए थे और फिर उन्होंने एंसेस्टर्स को जेनेटिकली एडवांस किया, फिर उन्होंने इंसानों को सोने की खुदाई के काम पर लगा दिया, फिर जब उन्होंने भरपूर मात्रा में सोना इकट्ठा कर लिया तो वे अपने घर यानी प्लैनेट एक्स पर लौट गए। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अनुनाकी रेप्टेलियन ह्यूमनॉइड्स के प्रजाति थे। रेप्टेलियन ह्यूमनॉइड्स एक प्रकार के फिक्शनल बींग्स हैं जिनके पास सुपर ह्यूमन जैसी पावर्स होती है। लोगों का मानना है कि ये सुपेरियंस को लेखन और गणित की प्रणाली विकसित करने में मदद की। इसके अलावा उनका मानना है कि अनुनाकी आज भी आसपास है और मानव जगत में अपने पावर्स का यूज करते हैं। जचेरी सिंचिन, जो एक पॉपुलर बुक 12th प्लैनेट के ऑथर है, उनके अनुसार 450,000 साल पहले अनुनाकी ने पहली बार पृथ्वी का दौरा किया और होमो इरेक्टस प्रजाति के प्रतिनिधियों के साथ प्रजनन किया, जिससे आधुनिक मानव सभ्यता का जन्म हुआ। उन्होंने कई हजार वर्षों तक पृथ्वी पर सफलतापूर्वक शासन किया, जब तक उन्होंने मनुष्यों पर अत्याचार नहीं किया और उन्हें नष्ट करने का निर्णय नहीं लिया। फिर द 12th प्लैनेट के ऑथर ने एक पनडुब्बी पर लोगों के बचाव और अनुनाकी के एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर वॉर के साथ एक अनसाइंटिफिक स्टोरी शुरू की। अन्य बातों के अलावा यह सिंचिन ही थे जिन्होंने अनुनाकी की तुलना बाइबल में वर्णित नेफेलिम के दिग्गजों से की थी। 1970 के दशक में जीवाश्म वैज्ञानिक, मानव वैज्ञानिक, पुरातत्वविदों और प्राच्यविदों ने सिंचिन के बुक को गैर पेशेवर बकवास के रूप में मूल्यांकन किया। अनुनाकी के बारे में मुख्य जानकारी प्राचीन मेसोपोटामिया की मिट्टी के टैबलेट्स और लेखों से मिलती है। आप इन ग्रंथों को वेबसाइट पर पा सकते हैं। जैसे एक ग्रंथ आपको ऑनलाइन मिल सकता है जिसका नाम है गिलगमेश महाकाव्य, जिसमें अनुनाकी का उल्लेख मिलता है। अभी तक ऐसे कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं जो सीधे तौर पर अनुनाकी के अस्तित्व को साबित करते हों। हालांकि कुछ लोग सुमेरियन कलाकृतियों और मेसोपोटामिया की कला को अनुनाकी के चित्रण के रूप में व्याख्या करते हैं। आप पुरातात्विक वेबसाइट्स या वित्रा चित्रों के माध्यम से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि इन व्याख्याओं पर बहस चल रही है। वैज्ञानिक जांच ठोस सबूतों पर आधारित होते हैं। फिलहाल अनुनाकी के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण हमें आज तक नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है हमें भविष्य में अनुनाकी से जुड़े कोई ठोस प्रमाण मिल सकते हैं, या फिर हमें भविष्य में यह भी सच्चाई पता लग सकती है कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियां थी। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। हम भी आपसे मिलते हैं भविष्य में एक और नए वीडियो के साथ।